आखिरी चरण के मतदान से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी जाएंगे, जहां वो रॉक मेमोरियल की उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे जिस पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। ये वीडियो पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के इस अद्भुत वीडियो को पीएम मोदी के ही हेलीकॉप्टर से रिकॉर्ड किया गया, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आखिरी चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी कन्याकुमारी के इसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान लगाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पीएम मोदी ने इस बार कन्याकुमारी के इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ही ध्यान के लिए क्यों चुना। धार्मिक मान्यता है कि मां पार्वती ने महादेव शिव के लिए एक पांव पर खड़े होकर यहीं तप किया था। इसके अलावा खुद स्वामी विवेकानंद ने भी यहीं ध्यान लगाया था। दावा किया जाता है कि पूरे देश का भ्रमण करने के बाद स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। भारत दर्शन के दौरान विवेकानंद ने आम लोगों की तकलीफ, दर्द, गरीबी, आत्मसम्मान और शिक्षा की कमी को करीब से देखा था। 24 सितंबर 1892 को स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे और समुद्र तट से करीब 500 मीटर दूर इस चट्टान पर तैरकर पहुंचे थे। 25 से 27 दिसंबर तक यानी 3 दिनों तक स्वामी विवेकानंद ने इसी चट्टान पर ध्यान किया था। उनके ध्यान का केंद्र भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य था। यही उन्होंने एक भारत और विकसित भारत का सपना देखा था, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी सोच के साथ देश की सियासत को आगे ले जा रहे हैं। वैसे भी पीएम मोदी के जीवन पर स्वामी विवेकानंद का गहरा प्रभाव रहा है। वो उनके जीवन से जुड़ी कहानियों को वक्त वक्त पर अपने भाषणों के दौरान लोगों से साझा करते रहते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का अध्यात्म प्रेम जग जाहिर है। पीएम मोदी केदारनाथ में भी साधना कर चुके हैं, तो द्वारका में पानी के नीचे भी पीएम मोदी ने मेडिटेशन किया। अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 18 मई 2019 के है। 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसी तरीके से ध्यान लगाया था। तब वो 2 दिन केदारनाथ में रहे थे। उन्होंने केदारनाथ की एक गुफा में साधना की थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने 15 घंटे तक केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाया था और पूरी रात वहीं गुजारी थी। प्रधानमंत्री के ठहरने से उस गुफा की इतनी पब्लिसिटी हुई कि उस साल मई से अक्टूबर तक की सारी बुकिंग फुल हो गई थी। दूसरी तस्वीर 20 जनवरी 2024 की है, जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर के दर्शन किए थे। तीसरी तस्वीर 25 फरवरी 2024 की है। फरवरी में भी पीएम ने गुजरात के द्वारका में समंदर के नीचे जलमग्न द्वारका नगरी में जाकर प्रार्थना की थी। वो अपने साथ मोरपंख लेकर गए थे जो उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पित किए थे। और अब पीएम कन्याकुमारी जा रहे हैं।